ध्यान दीजिए, अब एक नया टॉपिक हमारे पास है, दैट इज फैक्टर। अभी तक हम लोग मल्टीपल के बारे में सीखे थे। मल्टीपल में हम ये सीखे थे कि किसी नंबर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, या किसी नंबर से जो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, वो सब के सब नंबर्स उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। हमने ये सीखा था। अब फैक्टर्स में जस्ट इसी का अपोजिट। अभी तक क्या था मल्टीपल में कि उस नंबर के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 का टेबल हम पढ़ लें, तो 4 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं या 4 से जो भी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो सब के सब 4 के मल्टीपल्स थे। इसी तरह और भी नंबर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स में क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। फैक्टर्स में क्या होता है कि कोई नंबर कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। उस मल्टीपल में था कि कोई मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से जितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं, वो सब के सब उसके मल्टीपल होंगे। और फैक्टर क्या कहता है कि कोई नंबर जितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, 12। 12 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है, 12 12 से भी डिवाइड होता है। तो उन सारे नंबर्स जिनसे 12 डिवाइड होता है, वो सब के सब 12 के क्या होंगे, फैक्टर्स। बहुत बारीक, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, समझिए। दोनों डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझने में एक छोटा सा अंतर है, उसको ध्यान दीजिए। जैसे अब मल्टीपल और फैक्टर में देखिए क्या कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए मैंने 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक। अब 6 के टेबल में जितने नंबर्स होंगे, वो सब के सब 6 के मल्टीपल है। सही है, बिल्कुल क्लियर है। 6 के टेबल में जो भी नंबर आएगा, वो 6 का मल्टीपल है। अब उसके बाद 6 से, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि 6 से आप जितने नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो नंबर पूरी पूरी तरह से कट जाए डिवाइड करने पर, रिमाइंडर ना बचे, तो वो सारे नंबर भी 6 के मल्टीपल होंगे। ओके, ये तो मल्टीपल की बात हुई। अब फैक्टर क्या है, देखिए। अब फैक्टर्स के लिए भी मान लीजिए मैं 6 का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अब 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, ये नहीं हम बात करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि 6 किसके किसके टेबल में आता है, 6 किससे किससे डिवाइड होता है। तो 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 6 6 से भी डिवाइड होता है। यानी ये जो 6 है, ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन हुए, 1 2 3 एंड 6। यानी फैक्टर का मतलब हुआ कि वो नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है, या फिर वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है। जितने सारे नंबर से डिवाइड होगा, या जितने भी नंबर्स के टेबल में वो नंबर आएगा, वो सब के सब उसके फैक्टर होंगे। जैसे ये एग्जांपल अभी जो समझाया गया था कि यहाँ देख रहे हैं 12। अब 12 देखिए किसके किसके टेबल में आता है, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 6 के भी और 12 के भी टेबल में आता है। तो 12 सबका, इन 12 का फैक्टर कौन कौन हुआ, ये सारे नंबर, क्योंकि इन सब के टेबल में 12 आता है। और डिवाइड भी देखिए हो जाते हैं, 1 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो या तो वो नंबर यानी 12, कोई भी एक नंबर जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है, वो सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर होंगे, या फिर ये नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है, वो सारे उसके फैक्टर होंगे। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं आगे। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। जैसे 12 का फैक्टर देखिए 1 है, 2
टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ट्वेल्व है, तो अगर वन से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर जीरो, टू से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर जीरो, थ्री से डिवाइड किए रिमाइंडर जीरो, और अंत में ट्वेल्व से भी डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो। जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर बच जा रहा है तो समझ जाइए कि वो उस नंबर का फैक्टर नहीं है। देखिए इसके अनुसार हमें किसी भी नंबर का अगर फैक्टर प्राप्त करना है, पता करना है कि किसी नंबर के फैक्टर कौन कौन होंगे, तो हमें एक तरफ से उसे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, वन से लेके आगे के नंबर तक। अब वन से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि टू के टेबल में वो नंबर आता है कि नहीं, टू से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फोर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फाइव से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे हम एक तरफ से सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे, और जिन जिन नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा वो सारे नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ कह रहा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 के सारे फैक्टर्स हमें पता करने हैं, या तो अगर टेबल याद है तब तो हम टेबल से आइडिया लगा लेंगे कि भाई वन के टेबल में देखिए, अच्छा चेक एक ही तरफ से करना है, देखिए वन से स्टार्ट किया तो वन से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, तो वन जो है 24 का एक फैक्टर हो गया, क्योंकि देखिए 24 इज ए इवन नंबर तो टू से भी डिवाइड हो जाएगा, तो टू से डिवाइड कर दिए पूरा पूरा ये कट गया, तो टू भी 24 का एक फैक्टर हो गया। अब टू के बाद किसके टेबल में आता है 24, भाई आने को थ्री में नहीं आता, थ्री के टेबल में भी तो 24 आता है, तो थ्री से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर देखिए जीरो आ रहा है जिसके जिसके टेबल में 24 आता है, तो थ्री भी हो गया इसका फैक्टर। फिर फोर के टेबल में तो फोर देखिए, फोर से भी डिवाइड किए तो रिमाइंडर जीरो आया, तो फोर भी इसका एक फैक्टर हुआ। फाइव से डिवाइड की, एक तरफ से डिवाइड करके चेक कर रहा है, वन टू थ्री फोर फिर फाइव। अब फाइव से डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर बच गया, तो क्या फाइव फैक्टर होगा 24 का? नहीं, फाइव 24 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर सिक्स से ट्राई किए, अब सिक्स से ट्राई करेंगे 24 को, तो सिक्स फोर जा 24, रिमाइंडर देखिए जीरो आ गया, तो यानी 24 का एक फैक्टर सिक्स भी हो गया। आगे सेवन से डिवाइड करेंगे तो सेवन के टेबल में तो 24 आता नहीं है, पूरा डिवाइड होगा नहीं, एट के टेबल में आता है, एट थ्री जा 24, तो एट भी हुआ इसका फैक्टर, तो अभी केवल सिक्स तक ही दिखा रहा है, समझिए इसको। तो इसका मतलब ये कि वन से डिवाइड हो गया तो वन टू थ्री फोर एंड सिक्स ये सब किसके फैक्टर हो गए? 24 के ये सब फैक्टर हुए ना। तो देखिए तो ये आंसर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 10 1 2 3 4 6 8। अब भाई 8 तक तो हमने 6 तक चेक किया, फिर 8 के टेबल में भी चेक किया, अच्छा 8 के बाद देखिए 9 10 11 के टेबल में 24 नहीं आता, इसलिए पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर 12 के टेबल में आता है, 12 2 जा 24, तो देखिए यहाँ 12 भी ले लिया इसका फैक्टर, और हर एक नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है, भाई 24 है तो 24 के टेबल में तो 24 आएगा ही, इसका मतलब 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये सब 24 के फैक्टर्स हुए। ओके, ध्यान दीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 के फैक्टर्स हमें पता करना है, अगर तो हम 1 से स्टार्ट करें डिवाइड करना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में कट गया, यहाँ देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, एक चीज कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, और दूसरी चीज सभी नंबर खुद के भी फैक्टर होते हैं, भाई 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है तो 1 तो ये सबका फैक्टर हो गया एक फैक्टर, और दूसरा हर एक नंबर खुद के टेबल में ज़रूर आता है तो हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर हो गया। फिर 2 के टेबल से तो 15 कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं 3 से कट गया, 4 से कटेगा नहीं, 5 से ट्राई किया 5 से भी रिमाइंडर जीरो आ गया, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक के टेबल से 15 नहीं क्रॉस हुआ, तो 15 का टेबल हमने लिया, 15 से 15 कट गया, ठीक है। इस तरह से 15 के फैक्टर्स कौन कौन हुए जिनमें रिमाइंडर जीरो आया, तो वो कौन कौन से टेबल थे, 1
थ्री, फाइव एंड 15. तो फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1, 3, 5, 15. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए वही जो समझा रहा था, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, यानी कि अगर फैक्टर ऑफ एनी नंबर पूछ दे तो उसमें वन तो हम बिना डिवाइड किए ही लिख देंगे, क्योंकि वन के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं और वन से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं. दूसरा, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर है, क्योंकि हर एक नंबर अपने टेबल में ज़रूर आता है. ठीक है, तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं 17 ले लिया. ठीक, अब 17 वन से तो ज़रूर डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो फैक्टर 17 का हो गया वन, और दूसरा वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 17 वन जा 17. तो 7 मतलब वो नंबर और वन तो है ही उसके फैक्टर, बीच में हम चेक कर लेंगे डिवाइड करके कि और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और किसी नंबर के टेबल में आता है कि नहीं. ठीक है, तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. वर्कशीट 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. इज 5 ए फैक्टर ऑफ 36? क्या 36 का फैक्टर 5 है? तो भाई 5 से डिवाइड करके देख लो 36 को, या 5 का टेबल पढ़ लीजिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए. तो 5 के टेबल में तो 36 आता नहीं, 5 7 जा 35 आता है, तो माइनस करेंगे 35 तो 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि रिमाइंडर बच गया तो ये नंबर इसका फैक्टर होगा नहीं. तो देखिए यहाँ पे नो आंसर लिख दिया. ठीक है, अगला क्वेश्चन, इज 7 ए फैक्टर ऑफ 77? तो भाई 7 से 77 को डिवाइड करके देख लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आंसर हमारा यस, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो ये फैक्टर है 77 का, अरे 77 का एक फैक्टर 7 है. फिर 8 इज ए फैक्टर ऑफ 62, तो डिवाइड करिए 8 से 62 को, तो आप देखेंगे 8 8 जा 62 होता है, 8 7 जा 56, तो 6 बच गया, तो रिमाइंडर बच गया, यानी ये फैक्टर इसका फैक्टर 8 नहीं होगा, तो 9. इज 9 ए फैक्टर ऑफ 70? क्या 9 से 70 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? अगर डिवाइड हो जाएगा तब तो फैक्टर होगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके देखिए. ठीक है, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा तब तो हाँ यस लिखेंगे, अगर नहीं डिवाइड हो रहा रिमाइंडर बच रहा तो हम समझ जाएंगे कि जो है वो उसका फैक्टर नहीं होगा. पूछ रहा है 12 इज ए फैक्टर ऑफ 120, तो 120 को 12 से डिवाइड कीजिए, पूरी पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 12 इज ए फैक्टर ऑफ 120. इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए 115 से डिवाइड हो जाएगा, 15 के टेबल में नहीं आता है, अगर टेबल नहीं आता है तो डिवाइड करके देख लीजिए, तो भी डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर बच गया तो इसका फैक्टर नहीं होगा. इस 20 ए फैक्टर ऑफ 140, तो 140 को 20 से डिवाइड करके चेक कीजिए, पूरी तरह से कट जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसमें, इसलिए 20 इज ए फैक्टर ऑफ 140. आगे बढ़ते हैं. इस 6 इज ए फैक्टर ऑफ 284, तो 284 को 6 से डिवाइड कीजिए, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब तो फैक्टर होगा नहीं होगा, लेकिन डिवाइड करने पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 284, नो. ओके, आगे देखते हैं. अभी इस क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक में, 2 × 7 = 14, यानी 14 2 के भी टेबल में आता है और 7 के भी टेबल में आता है, तो 2 और 7 दोनों ना हो गए फैक्टर 14 के. भाई देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 14 और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों 14 के फैक्टर हो गए, 2 और 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14. फिर 3 × 8 = 24, तो यानी 3 से भी 24 डिवाइड हो जा रहा है, 8 से भी डिवाइड हो जा रहा, तो 3 और 8 दोनों फैक्टर हो गए 24 के, 3 और 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24. फिर 5 × 7 = 35,
तो भाई 35 देखिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के टेबल में आएगा। तो 5 और 7 दोनों 35 के फैक्टर हुए, ठीक। फिर आगे 4 × 5 = 20, तो 4 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20। फिर 7 × 8 = 56, तो भाई 7 और 8 दोनों हो गए 56 के फैक्टर्स, सही है। अब देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट वर्क है, अब इन क्वेश्चंस को आपको ऊपर बताए गए तरीके से करना है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे 12 का फैक्टर हमें पता करना है, तो हमें 1 से लेके 12 तक के सारे नंबर से इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पर उन नंबर्स को हम नोट कर लेंगे जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, वही सब उस इस नंबर के फैक्टर्स होंगे, जैसा अभी ऊपर समझाया गया था ये वाला तरीका, ठीक है। वहाँ 12 है क्वेश्चन में, यहाँ 24, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से डिवाइड करके चेक ना किया गया, जिसके जिसके रिमाइंडर 0 थे तो उन सबको दिखा दिया गया कि इसके फैक्टर्स हैं, देखिए जिनमें जिनमें रिमाइंडर 0 आया था। तो इसी तरह जो हम लोग फैक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं, ओके, कैसे हमको फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई फैक्टर्स में हमने ये सीखा था कि कोई नंबर जिस जिस नंबर के टेबल में आता है, या कोई नंबर जिस जिस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो सब फैक्टर होंगे उस नंबर के, ठीक है। लेकिन क्या वो नंबर कोई नंबर केवल एक ही टेबल में आता है? जैसे मान लीजिए अगर हम फैक्टर्स ऑफ 8 कहें, तो फैक्टर्स ऑफ 8 कौन से होंगे? वो सारे नंबर्स होंगे 8 के फैक्टर जो जिनसे 8 डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल में 8 आता है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, बाकी में किसी भी नंबर में 8 नहीं आता। और 12 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अपना तो खुद का फैक्टर खुद ही नंबर होता ही है। तो अब आप नोटिस कीजिए कि हमने दो नंबर के फैक्टर लिखे, 8 के और 12 के, लेकिन अब ये क्या, जो 8 का फैक्टर है वो 12 का भी फैक्टर है, देखिए 1 8 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, 2 8 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, फिर 4 8 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक ही नंबर अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टर ऑफ 8 था, फैक्टर ऑफ 12 था, इनके फैक्टर्स देखिए यहाँ कॉमन निकल गए दोनों में, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, इनको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। जब दो या दो से अधिक नंबर्स के फैक्टर आपस में मैच करते हैं तो उन्हें कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो गए? 1 देखिए, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये तीनों कॉमन फैक्टर हो गए 8 और 12 के। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हमने 3 नंबर्स ले लिए, 6, 18 और 20। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 तो चेक किया जाए 1 से, कि 1 से लेके आगे तक की काउंटिंग कि कितने नंबर से 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से हो जाता है। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 6, 9, 18। अब कैसे ये फैक्टर्स हो जा रहे हैं ये तो हमें पता ही है ना भाई, जिन जिन नंबर से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा वो सारे के सारे नंबर 18 के फैक्टर होंगे। तो आप डिवाइड करके देखो ना, 1 से देखो, 2 से देखो, 3 से डिवाइड कर देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, तो 3 तक तो पूरा कट जा रहा है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 × 4 = 16, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी 4 इसका फैक्टर नहीं हुआ। फिर 6, फिर 9, फिर 18,
एक तो तरीका डिवाइड करने का हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है कि चेक कर लीजिए कि ये नंबर किसके किसके टेबल में आता है, जिसके जिसके टेबल में आएगा वो सभी इसके फैक्टर होंगे। इसी तरह 20 को चेक कर लीजिए किसके किसके टेबल में आता है, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 के टेबल में 20 आता है, यानी ये सब 20 के फैक्टर्स हुए। ठीक, देखिए अब इन तीनों में देखा जाए जो फैक्टर्स हमें मिले 6 के, 18 के और 20 के, तो देखिए 1 तीनों में है, ठीक है, 1 इसका भी फैक्टर, इसका भी, तो कोई एक ही नंबर अलग अलग नंबर्स के फैक्टर हो सकता है। 2 भी देखिए तीनों में आया है, आगे देखिए 3 दो में आया है, तीसरे में नहीं आया, 6 2 में आया है, तीसरे में नहीं आया, तो जान लीजिए 3 नंबर हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो तीनों में कॉमन वाला ही लेंगे, अगर दो ही नंबर होते तब तो काम हो जाता कि मान लीजिए केवल 6 और 18 में कॉमन फैक्टर्स निकालना होता तब तो 3 भी मिल जाता 6 भी मिल जाता, लेकिन यहाँ तो 6 18 और 23 नंबर्स है ना, तो इन तीनों के फैक्टर्स जिनमें कॉमन होंगे वही लेंगे, तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है और कोई देखिए तीनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए 6 18 और 20 के, 1 एंड 2, ये तीनों के कॉमन फैक्टर हुए। ठीक है, अब देखिए अभी जैसे हम लोगों ने मल्टीपल्स वाले में एलसीएम पढ़ा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसी तरह फैक्टर वाले केस में ये नया टर्म आता है एससीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर आपने निकाला 1 और 2, तो इनमें जो बड़ा होगा वही एससीएफ होगा, इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2। इस तरह से हम किसी भी नंबर का एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 6, 18 और 20 का एससीएफ कितना हुआ, 2। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हुआ एससीएफ निकालने का तरीका। एक और खास बात यहाँ जान लेते हैं कि देखिए 1 तो 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 or more नंबर्स। 1 तो सभी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर हो गया ना, तो जब भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 तो जरूर मिलेगा। तो वही कह रहा है कि 2 हो या 2 से अधिक नंबर्स हो, सबका कॉमन फैक्टर 1 तो जरूर ही होगा। ध्यान दीजिए कुछ देखिए एक्सरसाइज वर्कशीट हमारा 6 है, यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच केस। तो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 10 हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, हमको ये देखना होगा कि 10 किस किस टेबल में आता है, 1 से लेके हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। 15 किसके किसके टेबल में आता है या किससे डिवाइड होता है, तो एक तरफ से चेक करेंगे 1 से, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है, सही है। तो ये दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है जो कि इन दोनों में है। तो 1 देखिए दोनों में है, फिर 5 दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर्स 10 और 15 के कितने हुए, 1 और 5, 1 और 5 जो है इन दोनों के कॉमन फैक्टर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 and 25। तो फैक्टर्स ऑफ 5, तो जिस जिस टेबल में आता है 5 लिख लेते हैं, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, भाई 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है, तो ये तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, और इनके टेबल में आता भी है 10। फैक्टर्स ऑफ 25, तो 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, फिर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते चले जाइए, डिवाइड करिए, आपको पूरा पूरा 25 नहीं कटेगा, लेकिन जब आप 25 पे पहुँचेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी हर एक नंबर तो खुद का फैक्टर होता ही है, तो 25 भी हुआ। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 and 25 निकाल लेते हैं जो कि तीनों में हो, 5, 10 और 25 में, तो 1 तीनों में है, 5 भी देखिए तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हुए। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 10 एंड 25 इज
1 and 5। आगे और एग्जांपल है, 12 और 18 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं 12 किसके किसके टेबल में आता है। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 के टेबल में आएगा क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। 18 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 18 के टेबल में। याद रखिए मल्टीपल एंड फैक्टर चैप्टर जिसको अच्छे से आना चाहिए, सीखना चाहता है, उसे टेबल एटलीस्ट 20 तक तो याद होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा अच्छे से। अब इन दोनों के फैक्टर्स मिल गए, अब कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, फिर इधर 6 दोनों में है, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6। 21 और 30 का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 21 तो चेक कीजिए, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से, फिर 21 से, 31 से भी होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, ठीक है। यहाँ पे 10 होना चाहिए, इट इज रॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे 10 होना चाहिए क्योंकि 10 आता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 खुद का तो फैक्टर है ही, 30 के टेबल में 30 तो आएगा ही। तो इस तरह से हमने 21 और 30 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए 1 दोनों में आया है, 3 भी दोनों टेबल दोनों के फैक्टर हैं, तो 1 और 3 ये दोनों क्या हुए, कॉमन फैक्टर हो गए 1 and 3, ठीक है। यहाँ कॉमा रहेगा 1 and 3, ये दोनों 21 और 30 के कॉमन फैक्टर हुए। यहीं पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं HCF की। तो अगर HCF निकालना होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर है उसमें बड़ा वाला जो होगा वही HCF हो जाएगा। 21 और 30 का क्या HCF हो जाएगा, 3। आगे और एग्जांपल लेके चलते हैं, 9, 24 and 27। तो फिर उसी तरह फैक्टर्स आप 9 देख लीजिए, 9 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के, 3 के, 9 के, फैक्टर्स ऑफ 24, तो फिर डिवाइड करके चेक कीजिए एकदम एक तरफ से, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, डिवाइड करते जाइए जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जब तक 24 ना आ जाए। तो देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 24 से डिवाइड होता है ये, तो ये सब इसके फैक्टर हुए। या तो डिवाइड कीजिए या तो आपको टेबल याद होना चाहिए, तो आप तुरंत आसानी से चेक कर लेंगे कि किसके किसके टेबल में आता है 24, बस वही सब उसके फैक्टर होंगे। फिर 27 को भी देख लीजिए, 1 के, 3 के, 9 के, 27 के टेबल में आता है, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन का पार्ट है। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स निकाल लिए। जब फैक्टर्स हमें मिल गया तो अब देखिए कॉमन फैक्टर्स, 1 तीनों में आया है, 2 में आएगा तो नहीं, 3 नंबर्स हैं तो तीनों में आना चाहिए, तो 1 तीनों में आया इसलिए 1 एक फैक्टर हो गया। उसके बाद देखिए 3 तीनों में आया है तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 1 भी फैक्टर हो गया, 3 भी फैक्टर हो गया, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए 9 के, 24 के और 27 के, सही है। अगर HCF निकालना हो तो बस HCF कॉमन फैक्टर आपने निकाल ही लिया, जो हाईएस्ट फैक्टर है कॉमन वाला वही HCF हो जाएगा, तो 3 विल बी HCF। अब देखिए यहाँ भी 1, 3 आया, यहाँ भी 1, 3 आया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर 21 और 30 का कॉमन फैक्टर 1 और 3 है और यहाँ पे 9, 24 और 27 का कॉमन फैक्टर 1 और 3 है, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है। आगे 14 का, 17 का और 22 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 14 देखिए 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में आता है और उसके बाद आपका 17 तो केवल 1 के टेबल में और 17 के टेबल में आता है। फिर फैक्टर्स ऑफ 22 तो 22 भाई 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 के टेबल में आता है, 22 के टेबल में आता है। तो इस तरह से हमने सबके फैक्टर्स निकाल लिए।
अब देखिए कॉमन फैक्टर ऑफ 14, 17 एंड 22 कितना होगा, तो देखिए कॉमन केवल एक ही नंबर है 1, तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1। और अगर HCF भी पूछा होता तो एक ही फैक्टर ही है कॉमन, तो यही HCF भी हो जाता है 1 ही। ओके आगे देखते हैं, आगे की एक्सरसाइज अब आपके लिए है, आपको उसी तरह जैसे अभी मैंने समझाया था ऊपर, उसी तरह से आपको इस तरह अलग अलग फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर निकालना है, और फिर उसमें जो बड़ा वाला होगा वही उन तीनों का HCF होगा। तो यहाँ पर वही करना है, देखिए फैक्टर्स निकालिए पहले 20-30 का, फिर कॉमन फैक्टर्स 20-30 का निकालिए, और उसमें जो बड़ा हो तो वही HCF हो जाएगा 20 और 30 का। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको इन्हीं ऊपर बताए गए तरीकों से करना है। ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, और आप इस तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।